भारत अब जल्द बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र, तैयार हुआ संविधान। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है कि जिस दिन आरएसएस की साधना का 100 वर्ष पूरा होगा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान। हिंदू राष्ट्र में मोदी की काशी बनेगी राजधानी, मुस्लिम ईसाइयों को नहीं दिए जाएंगे अधिकार। करोड़ों लोगों का सपना होने वाला है पूरा, पहले हिंदू राष्ट्र फिर अखंड भारत। दोस्तों, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर होती रहती है। कभी कोई संत महंत हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरता है तो कभी किसी धर्म संसद से ये आवाज उठती ही रहती है। अब इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू संगठनों ने एक हिंदू राष्ट्र के संविधान का पहला मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, किस समुदाय को कितने अधिकार मिलेंगे और देश को कैसे चलाया जाएगा। अभी हिंदू संविधान को लिखना शुरू ही किया गया है और संविधान की सारी बातें हिंदू संगठन देश को संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला 2023 में बताएंगे। फिलहाल धर्म संसद में जो संविधान बनाया है वो 32 पन्नों के हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा है। इसमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान प्रणाली, राज्य के मुखिया के अधिकार, देश के मुख्यालय के अधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं इसी मसौदे में देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की शान काशी यानी वाराणसी को बनाने की मांग भी की गई है। हिंदू राष्ट्र का संविधान में देश की राजधानी दिल्ली के बजाय वाराणसी को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा देश के हर एक नागरिक को अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। कृषि को पूरी तरीके से टैक्स फ्री किए जाने का भी प्रस्ताव है। विशेष बात यह है कि मुस्लिम और ईसाइयों को वोट नहीं देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कई और प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। बता दें कि संविधान को तैयार करने के लिए शंकराचार्य पीठाधीश्वर और गणमान्य लोगों की राय ली गई है। संविधान का मसौदा तैयार करने में स्वामी आनंद स्वरूप कामेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्या सागर जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। कैसा होगा संविधान का कवर पेज? दोस्तों, कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा बना है। जो देश भारत से अलग हो गए हैं उन्हें भारत में शामिल करने के लिए नक्शा दिखाया गया है। साथ ही मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए भी दिखाया गया है। हिंदू राष्ट्र के संविधान में और क्या कुछ है? बता दें, हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पृष्ठों का फिलहाल होगा। हर हिंदू को 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए 25 साल उम्र तय की गई है। देश में संसद की जगह धर्म संसद होगी, जिसमें 543 सदस्य चुने जाएंगे। सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। इसके अलावा देवी देवताओं और भारत की महान हस्तियों के चित्र संविधान में दिखेंगे, जिसमें माँ दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह आदि, शंकराचार्य, चाणक्य, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान और स्वामी विवेकानंद शामिल हैं। इसके अलावा दंड का प्रावधान त्रेता और द्वापर युग जैसा रहेगा। गुरुकुल परंपरा को भी शुरू किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने में धर्म संसद वाले ये संत और महात्मा लगे हुए हैं और संविधान भी फिलहाल तैयार कर लिया है। अब इस पर आपका क्या मानना है? इस संविधान का आप समर्थन करते हैं या विरोध? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।